ये है हम लोगों का ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन प्लांट, और अभी हम लोग इससे ये वाले ऑयल को फिल्टर करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये वाले मेन एमसीबी को ऑन करेंगे, ये सिंगल फेज सप्लाई है यहाँ पे। उसके बाद ये चारों एमसीबी को ऑन करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे और ये वाला बल्ब को धीरे 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 खोल देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि प्रेशर गेज में प्रेशर कहाँ तक उठ रहा है। धीरे धीरे प्रेशर उठते उठते ये, जब ये प्रेशर 600 के आसपास आ गया, अब देख रहे हैं ये प्रेशर नियर अबाउट 600 है, 600 अभी ये 600 हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ से इनलेट पंप को चालू करेंगे, इनलेट पंप को चालू करेंगे और इसका वाल्व को आधा खोल देंगे, आधा मतलब 45 डिग्री एंगल में खोल देंगे। और यहाँ पे देखेंगे ऊपर से तेल गिरना चालू हो जाएगा। ये देखिए अभी ये तेल गिरना चालू हो गया ऊपर से। अभी हम लोग थोड़ा टाइम तेल को गिरने देंगे यहाँ पे, मतलब डीगैसिंग चेम्बर को थोड़ा भरने देंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे तेल का लेवल दिख रहा है हमें, तेल वहाँ तक आ गया है करीब कांच के नीचे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आउटलेट पंप को ऑन करेंगे और उसके साथ ये वाला बल्ब को खोल देंगे। ये वाला बल्ब को भी हम लोग आधा ही खोलेंगे 45 डिग्री एंगल में, तो फिर आप पूरा भी खोल सकते हैं। अभी अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से आउटलेट से तेल निकलना चालू हो गया है। ये जो आउटलेट है यहाँ से ये तेल निकल रहा है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम के लिए ये मेंटेन करेंगे इस प्रेशर को, मतलब इनलेट को थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे और आउटलेट को थोड़ा कम करेंगे। फिर अगर यहाँ पे दिखाई देगा कि उधर से तेल निकलना थोड़ा स्लो हो गया है, तब इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे और इसको भी थोड़ा कम कर देंगे। ऐसे करके 10 से 15 मिनट इसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हीटर का स्विच को ऑन करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हीटर का टेम्परेचर सेट किया हुआ है, यहाँ पे 60 पे हम लोगों ने ऑलरेडी सेट कर दिया है। तो ऐसे हम लोग 15-20 मिनट मशीन को चलने देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटलेट से तेल निकल रहा है और इनलेट से तेल अंदर जा रहा है। ये जो है यहाँ से तेल अंदर आ रहा है इनलेट से। तो ऐसे मशीन मतलब तेल ऑयल मतलब जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो फिल्टर हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ऑफ करेंगे मशीन को, तो तभी पहले क्या करेंगे, पहले हीटर को बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनलेट पंप को यहाँ से बंद करेंगे और इसका जो वाल्व है इसको पूरा बंद कर देंगे। बंद हो गया, अभी मशीन को चलने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनलेट पंप बंद करने के बाद धीरे धीरे ये जो मशीन में हीट चेम्बर फिल्टर चेम्बर इस सब जगह पे जो भी तेल है वो धीरे धीरे इसके अंदर गिर के ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर आउटलेट को थोड़ा देर तक चलाएंगे। थोड़ा देर तक चलाने के बाद हम लोग
आउटलेट से जब मशीन का पूरा तेल खाली हो जाएगा उसके बाद आउटलेट को बंद करेंगे। अभी देखिए इनलेट का तेल गिरना लगभग बंद हो चुका है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि आउटलेट का क्या हालात है, आउटलेट से तेल निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटलेट से तेल निकलना बंद हो गया है, मतलब मशीन से सब तेल निकल गया है ऑलरेडी। तो अभी हम लोग आउटलेट पंप को बंद करेंगे। तो अभी हम लोग आउटलेट पंप को बंद करेंगे और इसका जो वाल्व है इसको पूरा बंद कर देंगे। और ये है सैंपल कलेक्शन वाल्व, इसको इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे आप लोग ऑयल का बीडीबी वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ से सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। इसको ऊपर में उठाना है और यहाँ से तेल लेना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल बेंड टाइप का बेंड लगा देंगे। और अभी हम लोगों को वैक्यूम पंप को चलने देना है 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट वैक्यूम पंप चलेगा, उसके बाद हम लोग वैक्यूम पंप को भी ऑफ करेंगे। तो अभी 15 मिनट बाद हम लोग अभी वैक्यूम पंप को ऑफ करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने को ये वाला स्विच ऑफ करना है और ये जो वाल्व है इसको धीरे धीरे बंद कर देना है। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ से यहाँ से प्रेशर को रिलीज कर देना है। अब देख सकते हैं वहाँ से प्रेशर रिलीज हो रहा है, ये वाल्व पूरा खुला है और प्रेशर पूरा रिलीज हो गया। तो अभी हम लोगों को इसको फिर से बंद कर देना है। बस यही था ऑयल फिल्ट्रेशन प्लांट का ऑपरेशन। दिस इज सो मच इजी। और लास्ट में हम लोगों को यहाँ से ये लैंप को ऑफ करना है मशीन का, और अंदर के का ये 4 MCB को गिरा देना है और यहाँ से मेन MCB को भी ऑफ करना है।